नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 22 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों को 21 जून को ही मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस को फेटेडिला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग का अभ्यास करने के कई फायदों के बारे में जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2000 की जो थीम है, योगा फॉर हेल्थ योगा फ्रॉम होम, स्वास्थ्य के लिए योग घर से योग रखी गई है। इस साल कोरोना वायरस महामारी यानी COVID-19 के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई है जो सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी, जबकि वर्ष 2019 में योग दिवस की थीम पर्यावरण के लिए योग रखी गई थी। योग के प्रेरणाता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सौरव गांगुली के साथ भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री किसके ब्रांड एम्बेसडर बने गए? तो JSW सीमेंट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को नियुक्त किया गया है। सौरव गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के कप्तान हैं। JSW सीमेंट कंपनी के MD पार्थ जिंदल है। JSW सीमेंट कंपनी के CEO नीलेश नार्वेकर। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी, जबकि अध्यक्ष सौरव गांगुली है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को इकोनॉमिक थिंक टैंक का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो नई दिल्ली भारत में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए की गई है। उर्जित पटेल वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार शरणार्थी वह है जो उसकी जाति धर्म राष्ट्रीयता किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीतिक के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का जो विषय है एवरी एक्शन काउंट। अगला प्रश्न है, भारत किस महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष बनेगा? तो अगस्त 2021 के लिए UNSC का भारत अध्यक्ष बनेगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है, जिसमें भारत का नंबर अगस्त 2021 में लगना तय है। अगला प्रश्न है, कोयला और खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया। यह पोर्टल इस क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। इस क्षेत्र में संस्थानों को विभिन्न अनुसंधान और विकास आधारित परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का उचित उपयोग, खनिज संसाधनों के उचित उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइकल फेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से किसने हटा दिया? तो फेसबुक के द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक फेंस के विवादित विज्ञापनों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। फेसबुक ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक फेंस के विवादित विज्ञापनों को सोशल प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। ये विज्ञापन ऐसे थे जिन पर लाल रंग के उल्टे त्रिकोण का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, डेढ़ सौ बिलियन मार्केट वैल्यूएशन वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड
आरआईएल के संस्थापक धीरूभाई अंबानी है। स्थापना हुई थी 8 मई 1973 महाराष्ट्र में। वर्तमान में सीईओ है आरआईएल के मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री मिडिल ईस्ट और किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है? तो एशिया महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की गई है। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री मिडिल ईस्ट और एशिया महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है। हाल ही के समय में हुए नस्लीय असमानता पर वैश्विक डिबेट के कारण कंपनी ने यह फैसला लिया है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने COVID-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया? तो कर्नाटक बैंक के द्वारा COVID-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया है। कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है। कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय है कर्नाटक बैंक का मंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक बैंक के MD और CEO महाबलेश्वर MS। कर्नाटक बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के रोचक वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। थैंक यू।